Welcome back to Brain Eatery. I'm your host and host Mansi, and as usual, I'm back with some known facts, but with some unknown information. Well, the known fact is आज 15 अगस्त है, and the unknown information is आज मैं आपको किसी स्वतंत्र सेनानी यानी फ्रीडम फाइटर से मिलाने वाली हूँ. So let's go. कितनी ताजी हवा है ना यहाँ, कितना सुकून, कितनी शांति है. वाह, बहुत अच्छा लग रहा है. वैसे हम सबको यही लगता है ना जब हम अपने घरों में होते हैं या कहीं घूमने जाते हैं. आप सोच रहे होंगे आज 15 अगस्त है और मैं मौसम का हाल हवाल क्यों दे रही हूँ. क्योंकि आज से 200 साल पहले से लेकर 74 साल पहले तक माहौल कुछ और था. सुकून की जगह खौफ राज कर रहा था, शांति की जगह लोगों की चीखें और बंदूकों की आवाज़ थी. घोड़े की टाप सुनकर तो जैसे दिल घबरा जाता था. हमारी आज़ादी का मानो किसी ने गला घोट के रख दिया था. एक मिनट, आप ये सोच रहे हैं ना कि मैं कौन हूँ. मैं वो हूँ जो 74 साल पहले तक इस खौफ के राज में गुलामी कर रही थी. मैं वो हूँ जिसने लोगों की चीखें सिर्फ सुनी नहीं है बल्कि उनको महसूस भी किया है. मैं वो हूँ जिसने बंदूकों से गोलियों की बरसात भी देखी है और इन गोलियों की बरसात में लोगों को खुशी खुशी भीगते हुए भी देखा है. मैं वो हूँ जिसने आज़ादी के आंदोलन की चिंगारी को आग की लपटों में तब्दील होते हुए देखा है. और मैं वो हूँ जिसने इन्हीं आग की लपटों में अंग्रेज़ों को जलकर खाक होते हुए भी देखा है. मैं उन स्वतंत्र सेनानियों का प्रतिनिधित्व कर रही हूँ जिनका न कभी नाम, न चेहरा, न कभी गुणगान गाया गया. मैं एक भारतीय हूँ. मैं और मेरे जैसे हजारों, लाखों, करोड़ों भारतीयों ने सारे जाने माने स्वतंत्र सेनानियों से प्रेरित होकर अपना बलिदान दिया इस देश के लिए, आज़ादी के लिए. हम सब के दिलों में बस एक ही जुनून सवार था और वो था आज़ादी का. और हमने ये 200 सालों में जो बलिदान दिया है उस पर हमें गर्व है. चाहे वो भगत सिंह हो, मंगल पांडे हो, सूर्य सेन हो या फिर चंद्रशेखर आज़ाद, चाहे तिलक हो, आगरकर हो, रानी लक्ष्मीबाई हो या फिर कल्पना दत्त हो, ये और इनके जैसे बहुत सारे स्वतंत्र सेनानियों ने हम सबको एक राह दिखाई और हम चल पड़े उस राह पर आंखें मूंद कर. घर, परिवार, भूख, प्यास, इन सबको तो हमने त्याग ही दिया था, पर सबसे ज़्यादा हमने त्यागा था अपने आप को इस देश के नाम, आज़ादी के नाम. आज भी रोंगटे खड़े होते हैं जेल में हमारे साथ हुए जुल्मों और अत्याचारों को याद कर. कभी हमारी चमड़ी उधेड़ दी जाती तो कभी हमारे जख्मों पे नमक लगाया जाता, कभी बर्फ की लादी पर लिटाया जाता तो कभी गर्म पानी में हमारे हाथ या पैर डुबोए जाते, कभी लाठी मार तो कभी कोड़ों की मार. पर हमें इन सबसे कभी तकलीफ नहीं हुई. हमने तो खुशी खुशी हर जुल्म सहा. हर अत्याचार ने हमारे सामने घुटने टेक दिए. हम भारतीयों के इन्हीं बुलंद इरादों के सामने थक हार कर अंग्रेजों ने देश छोड़ने का फैसला लिया और आज ही के दिन हम अपने स्वतंत्र भारत का सपना जी रहे थे. हम आजाद थे. 15 अगस्त 1947 का वो दिन और उस दिन की हमारी खुशी, आंखों से छलकते हुए खुशी के आंसू और चेहरे पर वो मुस्कुराहट आज भी मेरे अंदर रोमांच भर देती है. चाहे वो जलियांवाला बाग हत्याकांड हो या फिर गो बैक साइमन के नारे क्यों ना हो, चाहे वो दांडी मार्च हो या फिर करो या मरो के नारे क्यों ना हो, या फिर भारत में किसी भी कोने में अंग्रेजों के साथ चल रही छोटी से छोटी या फिर कोई बड़ी मुठभेड़ क्यों ना हो, हम सब आज जीत गए थे. हम सब आज़ाद हो गए थे और हम आज आज़ादी का जश्न मना रहे थे. नगाड़े, शहनाइयाँ, मानो जैसे हर घर में जश्न मनाया जा रहा हो. पर आज हमें शर्म आती है, तकलीफ होती है, दर्द होता है ये नौजवान पीढ़ी को देखकर जो 15 अगस्त के दिन सुबह सुबह उठकर झंडा फैलाते हैं, देश प्रेम के कुछ चुनिंदा गाने गाकर अपना देश प्रेम जाहिर करते हैं, और फिर मैं और मेरे जैसे सारे स्वतंत्र सेनानियों को याद कर अपने देश प्रेम का गुणगान गाते हैं, फिर घर जाते. क्या इस दिन के लिए हमने बलिदान दिया था अपना?
क्या ये था हमारा स्वतंत्र भारत का सपना? बस इतना ही मोल है हमारे त्याग का? नहीं, आंखें खोलो जरा और याद करो हमारी कुर्बानी। हमारे लिए छोड़ो, अपने माँ बाप के लिए, जिस इलाके में रहते हो उस इलाके के लिए, जिस गांव या शहर में रहते हो उसके लिए, और सबसे ज़्यादा अपने आप के लिए, अपने आत्मसम्मान के लिए, इस स्वतंत्र आज़ाद भारत का आदर करना सीखो। अगली बार जब कोई कहे ना कि भारत में तो कुछ भी नहीं है, तो इन्हीं लोगों से पूछना, क्या आपको पता है कि भारत में कितना कुछ है? भारत को सोने की चिड़िया क्यों कहा जाता है? आज भी विदेशी भारत में क्यों आते हैं और भारत का बहुत सारा नॉलेज सीखने की कोशिश क्यों करते हैं? यहाँ का योगा, यहाँ का मेडिटेशन लोगों को आज भी क्यों इतना अट्रैक्ट करता है? ये सवाल उनसे ज़रूर पूछना। अगर कोई कहे ना कि यहाँ के पढ़ाई का दर्जा कम है, तो इन्हीं लोगों को जाके बताना कि इसी पढ़ाई के बलबूते पर भारत का नाम रोशन करने वाले भी बहुत सारे लोग हैं। आप भी उनमें से एक बन सकते हैं। आपके पूर्वजों ने किए हुए अपने बलिदान का सम्मान कीजिए, एक सच्चे और अच्छे नागरिक बनिए और भारतीय होने पर गर्व कीजिए, और इसके आगे दिल से कहना कि मैं भारतीय हूँ। भारत माता की जय।